माँ शारदा का स्मरण करते हुए हार्दिक अभिनंदन है जन सरोकार मंच से जुड़े सभी साथियों का, और व्यक्तिगत रूप से आदरणीय जिनको मैं जानती हूँ, आदरणीय श्री मुजीब भाई का, देवेंद्र जी जोशी का, पीसी जैन साहब का, ऑनलाइन फेसबुक से जुड़े सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी दिवस की संध्या वेला में मैं आह्लादित अनुभव कर रही हूँ आप सबके साथ जुड़ने पर। तो आज हिंदी दिवस है और हिंदी हमारी वो भाषा है जो हमारी रग रग में प्रवाहित है, हमारे खून में प्रवाहित है, हमारी सांस सांस में, धड़कन धड़कन में हिंदी बहती है। तो इसी हिंदी को लेकर मैं अपनी एक रचना आपको, मैं मेरे सृजन को आपके सम्मुख रखती हूँ। प्रस्तुत है मेरी रचना, हिंदी हम सबकी भाषा है, हिंदी हम सबकी भाषा है, माँ भारत की परिभाषा है। हिंदी हम सबकी भाषा है, माँ भारत की परिभाषा है, संस्कृत की प्यारी बिटिया है, संस्कृत की प्यारी बिटिया है, जन जन के मन की आशा है। यह शहद घोलती कानों में, यह शहद घोलती कानों में, भावों में बनरस धार बहे, यह शहद घोलती कानों में, भावों में बनरस धार बहे, जब छंदों और कविता में, जब छंदों और कविता में ढल हिंदी मन की बात कहे, जब छंदों और कविता में ढल हिंदी मन की बात कहे। हर धड़कन में बहती हिंदी, हर धड़कन में बहती हिंदी, हर श्वासों में रहती हिंदी, हर धड़कन में बहती हिंदी, हर श्वासों में रहती हिंदी, हृदयासन पर आसीन सदा हम सबके माथे की बिंदी, हृदयासन पर आसीन सदा हम सबके माथे की बिंदी। माना है अलग अलग अपनी माला, माना है अलग अलग अपनी, सब प्रांतों की भाषाएं हैं, माना है अलग अलग अपनी, सब प्रांतों की भाषाएं हैं, पर जोड़े सबको आपस में ये हिंदी से आशाएं हैं, पर जोड़े सबको आपस में ये हिंदी से आशाएं हैं। सरगम से मीठे स्वर इनके, स्वर सरगम से मीठे स्वर इसके, रिश्तों के सुंदर नाम सजे, सरगम से मीठे स्वर इसके, रिश्तों के सुंदर नाम सजे, भरते सब में अपनत्व सहज, भरते सब में अपनत्व सहज, जो मन शहनाई साज बजे, भरते सब में अपनत्व सहज, जो मन शहनाई साज बजे। इसका दिल विस्तृत सागर सा, इसका दिल विस्तृत सागर सा, सबको अपना कर लेती है, इसका दिल विस्तृत सागर सा, सबको अपना कर लेती है। अंग्रेजी फारसी या उर्दू, अंग्रेजी फारसी या उर्दू, सबको अंक में भर लेती है। सीखे भाषाएं कितनी ही पर निज भाषा सम्मान करें, सीखे भाषाएं कितनी ही पर निज भाषा सम्मान करें। मासी ममतामय हिंदी का हम जीवन में व्यवहार करें, मासी ममतामय हिंदी का हम जीवन में व्यवहार करें। है पहचान हमारी ये, हिंदी के बिना हमारी पहचान ही क्या है। है पहचान हमारी है ये, न कोई एक दिवस इसका, है पहचान हमारी है न कोई दिवस एक दिवस इसका, हर दिन ही है प्रिय हिंदी का, हर दिन ही है प्रिय हिंदी का, न कोई तोल कहीं इसका, न कोई तोल कहीं इसका, न कोई तोल कहीं इसका। आज जो कव्य पाठ हो रहा है, कविता क्या है, बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने, कवियों ने हिंदी की अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी है, कविता की अलग अलग परिभाषाएं दी है, और मेरी परिभाषा, कविता एक एहसास है,
कविता एक एहसास है जो सांसों के संग बहती है, और वह एहसास चाहे कैसा भी हो, जब शब्दों में लिपट के हमारे सामने आता है वो कविता बन जाती है। फिर चाहे वो फूलों की खुशबू हो, वो तितलियों के रंग हो, वो झूमते हुए पत्तों की थिरकन हो, सब कविता है। कोई इसको शब्दों में व्यक्त कर देता है और किसी के पास कोई कोशिश नहीं करता कि इसे शब्दों में व्यक्त किया जाए। तो मेरे हिसाब से कविता क्या है, मैं काव्य रूप में, एक कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए सुनिए एक रचना। आदि सृष्टि के प्रथम नाद से ही कविता की धार बही थी। आदि सृष्टि के प्रथम नाद से ही कविता की धार बही थी। भावों ने तब मूक मूक रहकर कविता में बात कही थी। भावों ने तब मूक मूक रहकर कविता में बात कही थी। उस युग से लेकर इस युग तक सदा नीरावन सतत कविता। उस युग से लेकर इस युग तक सदा नीरावन सतत कविता। अविराम बहती जाती है रंच मात्र सौंदर्य निरीता। अविराम बहती जाती है रंच मात्र सौंदर्य निरीता। सूर तुलसी रस खान कबीरा रहम वृंद की सखी कविता। सूर तुलसी रस खान कबीरा रहम वृंद की सखी कविता। दिनकर गुप्त सुभद्रा महादेवी ने पल पल चखी कविता। दिनकर गुप्त सुभद्रा महादेवी ने पल पल चखी कविता। बच्चन की है विरह वेदना निशा निमंत्रण व मधुशाला। बच्चन की है विरह वेदना निशा निमंत्रण व मधुशाला। शब्द शब्द में बहती रहती युवा उमंगों की उरहाला। शब्द शब्द में बहती रहती युवा उमंगों की उरहाला। कभी हृदय के आंसू में बह अंतर का सब मैल हटाती। जलते तन मन पर चंदन बन शीतलता का लेप लगाती। जलते तन मन पर चंदन बन शीतलता का लेप लगाती। कभी विरही की सूनी आंखों में खो देती है स्वप्न सलोनी। कभी मिलन की घड़ियों में कविता भरती है रंग अनोखे। कभी मिलन की घड़िया में कविता भरती है रंग अनोखे। सांसों में बहती है कविता धड़कन में रहती है कविता। सांसों में बहती है कविता धड़कन में रहती है कविता। जीवन के उल्लास भाव में खुशबू बन कुछ कहती कविता। जीवन के उल्लास भाव में खुशबू बन कुछ कहती कविता। प्राणों का आधार कविता जीवन में रसधार कविता। प्राणों का आधार कविता जीवन में रसधार कविता। ऋतु ऋतु में करती है नव नव नित सोलह श्रृंगार कविता। ऋतु ऋतु में करती है नव नव नित सोलह श्रृंगार कविता। तो मैंने आपको आपके सम्मुख रखा है कि मेरे हिसाब से कविता क्या है। कविता व्यक्ति को परिमार्जित करती है और समाज को परिमार्जित करती है। समाज को एक नई दिशा दिखाती है। तो कविता हमारे सबके जीवन में बहती है। कोई इसको शब्द दे देते हैं, कोई शब्द देने की कोशिश नहीं करते हैं। मित्रों, आज पूरी दुनिया कोरोना दहशत से दहली हुई है। हम सब डरे दुख के घरों में अब तक बैठे हैं। आज 5-6 महीने होने को आए हैं। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। यहां भी जब कोरोना लॉकडाउन कर दिया गया था तो बहुत बेचैनी लोगों के दिलों में आ गई थी और बहुत सी मुश्किलों का सामना हर एक भारतीय को करना पड़ा था। लेकिन जिन्होंने सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना, जिनको
सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा वे थे स्वास्थ्य कर्मी और वो मजदूर जो दूर शहरों में अपने गांव को छोड़कर आए थे, उन शहरों का विकास करने, उन शहरों में रंग भरने। तो जब उन्होंने पलायन किया, आप सबने देखा होगा कि किस तरह मर रहे थे, भूख से तड़फ रहे थे, प्यास से तड़फ रहे थे, बच्चे मर रहे थे, उन पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा था। कविता निकलने लगी दिल से, रहा नहीं गया, रोने लगी थी कविता। तो जरा गौर फरमाइएगा, कविता रोवे है कड़प कड़प, कविता रोवे है कड़प कड़प, हर आखर शोक मनावे है, कविता रोवे है कड़प कड़प, हर आखर शोक मनावे है, मारी औलादा पर माशू, मारी औलादा पर माशू, ओ जुलमन देखो जावे है, मारी औलादा पर माशू, ओ जुलमन देखो जावे है। कविता की औलाद है दुखी और पीड़ित व्यक्ति, कविता की औलाद हम सब हैं, लेकिन उसका लगाव दुख से बहुत ज्यादा है। छाती फाटे है धरती की, छाती फाटे है धरती की, बा बिलख बिलख अरड़ावे है, छाती फाटे है धरती की, बा बिलख बिलख अरड़ावे है, रह रह कर दसा दिशावा के, रह रह कर दसा दिशावा के, आंख्या आसूड़ा आवे है, रह रह कर दसा दिशावा के, आंख्या आसूड़ा आवे है। किताले सपना आंख्या में, किताले सपना आंख्या में, खुद की माटी स्यू दूर हुआ, किताले सपना आंख्या में, खुद की माटी स्यू दूर हुआ, लियो आज देख लियो सहरा में, लियो आज देख लियो सहरा में, बे सपना चकना चूर हुआ, लियो आज देख लियो सहरा में, से सपना चकना चूर हुआ। सागे घरवाली टाबर ने शहर में बड़ी आशाएं लेकर, बड़ी उम्मीदों के साथ अपने घर गृहस्थी को लेकर आए थे। सागे घरवाली टाबर ने लेकर आया कुछ सुख देशा, सागे घरवाली टाबर ने लेकर आया कुछ सुख देशा, में गामड़िया रोटा पर योगी पक्को कदे करा लेशा, में गामड़िया कोटा पर योगी पक्को कदे करा लेशा। माई तरी आंख्या रो इलाज, माई तरी आंख्या रो इलाज, बहना भी परनाणी माने, माई तरी आंख्या रो इलाज, बहना भी परनाणी माने, चौखी स्कूला में मारा, चौखी स्कूला में मारा, टाबरिया पड़वाणो था ने, बहुत सारी आशोर उम्मीदों के साथ में अभी आए थे कि बै सोचो के हुयो आज, बै सोचो के हुयो आज, कुत्ता जियां दुत्कार दियो, बै सोचो के हुयो आज, कुत्ता जियां दुत्कार दियो, भाटे सो दिल रो शहर नहीं, बारे आहां पर लेप धर्यो, भाटे सो दिल रो शहर नहीं, बारी आप बारी आहां पर लेप धर्यो, बारे बलशू ही आज शहर, बारे बड़शू ही आज शहर, जगमग जगमग जगमावे है, बारे बड़शू ही सहरारा ए महल खड़िया मुस्कावे है, बारे बड़शू ही सहरारा ए महल खड़िया मुस्कावे है। भूखा तीसा बे आज गांठड़ी, भूखा तीसा बे आज गांठड़ी, पीड़ा की लेकर चाल्या बे, बांध कफन अपने सिर पर, तपती सड़का पैदल हाल्या बे, बांध कफन अपने सिर पर, तपती सड़का पैदल हाल्या। गोदी में दूध मुहा बच्चा, गोदी में दूध मुहा बच्चा, पर दूध छोड़ पानी कोनी, गोदी में दूध मुहा बच्चा, पर दूध छोड़ पानी कोनी, सुटके सा सागे घिसट रहा, सुटके सा सागे घिसट रहा, ओ दर्द राज जान्यो कोनी, सुटके सा सागे घिसट रहा, ओ दर्द राज जान्यो कोनी। बे किया जान सी पीड़ जका, बे किया जान सी पीड़ जका, एसी में बैठ बयान धरे, बे किया जान सी पीड़ जका, एसी में बैठ बयान धरे, अरबों खरबू रो बजट सुना, अरबों खरबू रो बजट सुना, बे थोथा घना बखान करे, अरबों खरबू रो बजट सुना, बे थोथा घना बखान करे।
मर रया रास्ता में कोई, मर गया रास्ते में कोई, चीला पर कट मर गया घना, केमिकल घोल पड़े बां पर, केमिकल घोल पड़े बां पर, मजदूर विजयी पण आज रणा, मजदूर विजयी पण आज रणा। हौसलों को पस्त नहीं होने दुआ, पैदल ही चल पड़े। चुल्लू भर पानी डूब मरो, चुल्लू भर पानी डूब मरो, नेतावा लाज नहीं आवे, चुल्लू भर पानी डूब मरो, नेतावा लाज नहीं आवे, मजदूर दिखायो है दर्पण रख जान हथेली पर थाने, मजदूर दिखायो है दर्पण रख जान हथेली पर थाने, निसंक होय बढ़ता जावे, निसंक होय बढ़ता जावे, अपनी माटी शू मिलन जका, निसंक होय बढ़ता जावे, अपनी माटी शू मिलन जका, बाने न हिला सके कोई, बाने न हिला सक्या कोई, बीरारा कदे न पाँव थक्या, बीरारा कदे न पाँव थक्या, बीरारा कदे न पाँव थक्या। तो ये मजदूरों की पीड़ा को मैंने शब्द दिए हैं। हम कोरोना का ये काल और हमारी थोथी होती राजनीति, बड़ी तकलीफ होती है जब महीनों चल रहा है प्रकरण सुशांत का, अब नया शुरू हुआ है कंगना का। समझ नहीं आता कि टीवी के सामने बैठे, अखबार के पन्ने खोले या इन सब को छोड़ दें। आज कलमकार भी चुप होके बैठे हैं, कुछ सहमे सहमे से, कुछ डरे डरे से। जो निर्भीक है उनको जेलों में डाल दिया गया है, किसी की हत्या कर दी गई है। कलम बहुत उदास है, कलम बहुत उदास है और चाहती है एक बार कलमकार फिर उठे, एक बार कलमकार फिर उठे, जगाए उन लोगों को जो सो रहे हैं, सोए नहीं हैं, सहमे हुए हैं। तो व्यवस्था पर चोट करने वाली मेरी एक कविता कलम के शब्दों में बोल रही है। कलम, हुई जा रही आज भोतरी, हुई जा रही आज भोतरी, रख सिरहाने मुझे सो गए, हुए जा रही आज भोतरी, रख सिरहाने मुझे सो गए, तुम सोए तब से समाज से जीवन के सब मूल्य खो गए। साहित्यकार सो जाता है वो देश सो जाता है गहरी नींद में। उठो साहित्यकारों, कलम बोल रही है। तुम सोए तब से समाज के से जीवन के सब मूल्य खो गए, मान पत्र वापिस लौटाना, मान पत्र वापिस लौटाना, बड़ा काम था हिम्मत वाला, मान पत्र वापिस लौटाना, बड़ा काम था हिम्मत वाला, लेकिन यह हिम्मत दिखलाकर, लेकिन यह हिम्मत दिखलाकर, कलमकार तुम कहाँ खो गए, लेकिन यह हिम्मत दिखलाकर, कलमकार तुम कहाँ खो गए। तमस हुआ घन घोर, अंधेरा तो छाया हुआ है सब जगह, तमस हुआ घन घोर, ज्योति के दे दो अब जग को नजराने, तमस हुआ घन घोर, ज्योति के दे दो अब जग को नजराने, आज तलक न झुके झुके कभी, आज तलक न झुके कभी, अन्याय सामने तने रहे थे, तमस हुआ घन घोर, ज्योति के दे दो अब जग को नजराने, कलम आज बेचैन कह रही, उठो लिखो कुछ नए तराने, कलम आज बेचैन कह रही, उठो लिखो कुछ नए तराने, आज तलक न झुके कभी, आज तलक न झुके कभी, अन्याय सामने तने रहे थे, तुम वह तुम ही थे वीर सिपाही, वह तुम ही थे वीर सिपाही, अविचल हर पल खड़े रहे थे, वह तुम ही थे, तुमने राज सत्ताओं को बदल डाला, तुमने गुलामी की जंजीरों को काट डाला, जब जब अस्त्र बनाया मुझको, जब जब अस्त्र बनाया मुझको, राग भैरवी बन गर्जी हूँ, जब जब अस्त्र बनाया मुझको, राग भैरवी बन गर जी हूँ, तम का नाश किया मैंने, आलोक रश्मिया बन बरसी हूँ, तम का नाश किया मैंने, आलोक रश्मिया बन बरसी हूँ, युग युग से बेहोश पड़े जो, युग युग से बेहोश पड़े जो, उन्हें होश में तुम लाए थे, युग युग से बेहोश पड़े जो, उन्हें होश में तुम लाए थे, ढलकर गीतों में दिन करके,
ढलकर दीपों गीतों में दिन करके शक्ति पुंज बनकर छाए थे। ढलकर गीतों में दिन करके शक्ति पुंज बनकर छाए थे। न भागो जिम्मेदारी से, न भागो जिम्मेदारी से, बनकर मूक बधिर मत बैठो। न भागो जिम्मेदारी से, बनकर मूक बधिर मत बैठो। लोक रो रहा तंत्र खो रहा, लोक रो रहा तंत्र खो रहा। समय नहीं कि पल भी लेटो, तुम्हारे पास समय नहीं है। उठो कलमकार, उठो कलम पुकार रही है। क्रांति दूत अब उठो, क्रांति दूत अब उठो, थाम लो हाथ कलम विकराल समय है। क्रांति दूत अब उठो, थाम लो हाथ कलम विकराल समय है। इतिहासों को आज पलटने, इतिहासों को आज पलटने, धूर्त बहुत कुछ लोग अड़े हैं। इतिहासों को आज पलटने, धूर्त बहुत कुछ लोग लगे हैं। सारा भार तुम्हारे ही, सारा भार तुम्हारे ही, कंधों भावी इतिहास तुम्ही हो। सारा भार तुम्हारे ही, कंधों भावी इतिहास तुम्ही हो। माँ भारत की हंसी होट की, माँ भारत की हंसी होट की, नैनों का विश्वास तुम्ही हो। माँ भारत की हंसी होट ही होट की, नैनों का विश्वास तुम्ही हो। तड़फ रही हूँ कब से, तड़फ रही हूँ कब से, बन शमशीर काट दूं तम की कारा। तड़फ रही हूँ बन से कब, शमशीर काट दूं तम की कारा। तेरे चरण कलम, तेरे चरण कमल प्रक्षालन, तेरे चरण कमल प्रक्षालन, को लालायत अभियुग धारा। तेरे चरण कमल प्रक्षालन, को लालायत अभियुग धारा। उठो उठो कलमकार, उठो कलम पुकारती है। तो ऐसे विकट समय में अभी एक नया नया आलोक पुंज हमें दिखाई दिया, शायद आप समझ गए हो। आदरणीय प्रशांत भूषण जी, जिनकी इतनी पुरानी फाइलें खंगाली गई, उनकी पूरी जन्म कुंडली को खंगाला गया, लेकिन सत्य के प्रहरी कहाँ अड़े हैं, वो हमेशा अपनी राहों पर डटे रहे हैं। और मुझे बड़ा सात्विक गौरव की अनुभूति हुई, जिन्होंने न जाने उनके हौसलों से न जाने कितनों को हौसला मिला। तो मैंने उनकी हौसला अफजाई जो उन्होंने की हम सब की, उसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी कविता लिखी है, सुनिए आप। तुम बिके नहीं, तुम बिके नहीं, तुम झुके नहीं, तुम बिके नहीं, तुम झुके नहीं, सतपथ पर अविचल खड़े रहे। तुम बिके नहीं, तुम झुके नहीं, सतपथ पर अविचल खड़े रहे। तुम डिगे नहीं, तुम डिगे नहीं, तुम रुके नहीं, निज सिद्धांतों पर अड़े रहे। तुम डिगे नहीं, तुम रुके नहीं, निज सिद्धांतों पर अड़े रहे। भूषण, प्रशांत भूषण जी, भूषण भारत माँ के भूषण, भूरत माँ भारत माँ के भूषण, तुम देश के वीर सिपाही हो। भूषण भारत माँ के भूषण, तुम देश के वीर सिपाही हो। तुम कौन हिला पाया कोई, तुम कौन हिला पाया कोई, तुम सच्चाई के राही हो। तुम कौन हिला पाया कोई, तुम सच्चाई के राही हो। जिसकी अंतर आत्मा जागृत, जिसकी अंतर आत्मा जागृत, क्या उसे हिला सकता कोई। जिसकी अंतर आत्मा जागृत, क्या उसे हिला सकता कोई। ये उन्हें जगाएगी फिर से, ये उन्हें जगाएगी फिर से, जिनकी अंतर आत्मा सोई। ये उन्हें जगाएगी फिर से, जिनकी अंतर आत्मा सोई। कर दी मिसाल तुमने कायम, कर दी मिसाल तुमने कायम, जो युग को राह दिखाएगी। एक नया इतिहास रचा है आपने। कर दी मिसाल तुमने कायम, जो युग को राह दिखाएगी, भ्रम में भटके मानव बन को। देशभक्ति क्या होती है आपने दिखलाया है प्रशांत जी। भ्रम में भटके मानव मन को वह देशभक्ति सिखलाएगी। भ्रम में भटके मानव मन को वह देशभक्ति सिखलाएगी। प्रशांत, प्रशांत आपका शीश रहे नब से भी और अधिक ऊंचा। प्रशांत आपका शीश रहे नब से भी और अधिक ऊंचा। तुमने अपने सपनों के ही, तुमने अपने सपनों के ही भारत का चित्र यहाँ खींचा। सत्य पर अडिग रहना, फिर से गांधी की याद दिला दी।
तुमने अपने सपनों के ही भारत का चित्र यहाँ खींचा, भारत का चित्र यहाँ खींचा। तुम बिके नहीं, तुम झुके नहीं, सतपथ पर अविचल खड़े रहे। तुम डिगे नहीं, तुम रुके नहीं, निस्सिद्धांतों पर अड़े रहे। उनके सत्यवादिता, अपने प्रतिबद्धता के लिए मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ। तो मैं कविता किस लिए लिखती हूँ? मैं कविता लिख रही हूँ आधी दुनिया को उसका हक दिलाने के लिए। मेरी कविताएं ज्यादातर महिलाओं की पीड़ा पर, महिला विषयक समस्याओं पर केंद्रित होती है। तो एक कविता जो मेरे मन की बात, सारी कविताएं मेरे मन की बात है, लेकिन जिस पीड़ा को मैं अनुभूत करती हूँ वह पीड़ा आप सबके साथ आज बांटना चाहती हूँ। तो सुनिए जरा। मुझे, आप मुझे नहीं पूरी आधी दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे, तो जरा मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा, आधी दुनिया की व्यथा सुनिए। अनगिन समर लड़ रही हूँ मैं, अनगिन समर लड़ रही हूँ मैं, अनगिन कार्य कर रही हूँ मैं, अनगिन समर लड़ रही हूँ मैं, अनगिन कार्य कर रही हूँ मैं। तुम्ही बताओ इन स्थितियों में, तुम्ही बताओ इन स्थितियों में गीत कहाँ से गाऊंगी मैं, तुम्ही बताओ इन स्थितियों में गीत कहाँ से गाऊंगी मैं, अपना स्वत्व बचाऊंगी मैं। सदियों का दासत्व मिटाना, सदियों का दासत्व मिटाना, अपनी गरिमा आप बचाना, सदियों का दासत्व मिटाना, अपनी गरिमा आप बचाना। भावी पीढ़ी के हित, भावी पीढ़ी के हित टेढ़ी राहों को कुछ सुगम बनाना। समय बहुत कम, समय बहुत कम, क्योंकि मैं 63-64 कंप्लीट कर चुकी हूँ, समय बहुत थोड़ा है मेरे पास। समय बहुत कम, कार्य अधिक है, निज अस्तित्व बचाऊंगी मैं, गीत अभी ना गाऊंगी मैं, गीत अभी ना गाऊंगी। युगों युगों से रोंदा कुचला, युगों युगों से रोंदा कुचला, बहुत दबाया बहुत सताया, युगों युगों से रोंदा कुचला, बहुत दबाया बहुत सताया। कठपुतली की भांति मुझे जिसने चाहा हर बार नचाया, कठपुतली की भांति मुझे जिसने चाहा हर बार नचाया। फकत देह समझा मुझको, फकत देह समझा मुझको, अब हर उलझन सुलझाऊंगी मैं, फकत देह समझा मुझको, अब हर उलझन सुलझाऊंगी मैं, गीत अभी ना गाऊंगी मैं, गीत अभी ना गाऊंगी मैं। अग्नि परीक्षाओं से गुजरी, अग्नि परीक्षाओं से गुजरी, शाप दिया पाषाण हो गई, अग्नि परीक्षाओं से गुजरी, शाप दिया पाषाण हो गई। जब पशुताने चीर हरा तो, जब पशुताने चीर हरा तो विद्व सभा क्यों मूक हो गई, जब पशुताने चीर हरा तो विद्व सभा क्यों मूक हो गई। निच चोराहे नित चोराहे लाज लुट रही, नित चोराहे लाज लुट रही, सबकी लाज बचाऊंगी मैं, गीत अभी ना गाऊंगी मैं, गीत अभी ना गाऊंगी मैं। कभी झांक कर देखा, कभी झांक कर देखा मेरे वीराने मन का वो कोना, कभी झांक कर देखा मेरे वीराने मन का वो कोना। जहां उठ रहे हैं झंझावात, जहां उठ रहे हैं झंझावात, बोला अंतर मत मत सोना, बोला अंतर मत मत सोना। जाग रही अब सुप्त चेतना, जाग रही अब सुप्त चेतना, अपना मान बचाऊंगी मैं, गीत अभी ना गाऊंगी मैं, गीत अभी ना गाऊंगी मैं। दिवस रात सब एक क्या, ये सारी लेडीज की समस्या है, लेकिन अब इस कोरोना काल में पुरुष वर्ग को मालूम पड़ा है कि हम घरों में केवल बैठे नहीं रहते हैं। दिवस रात सब एक किया, दिवस रात सब एक किया, पर सुना सदा की क्या करती हो, दिवस रात सब एक किया, पर सुना सदा की क्या करती हो। चूल्हा चौका धर्म तुम्हारा, चूल्हा चौका धर्म तुम्हारा, व्यर्थ अन्य बातें करती हो, चूल्हा चौका धर्म तुम्हारा, व्यर्थ अन्य बातें करती हो। सदा रहो चुप,
सदा रहो चुप मिली हिदायत खुद को मुखर बनाऊंगी मैं गीत अभी ना गाऊंगी मैं, खुद को मुखर बनाऊंगी मैं गीत अभी ना गाऊंगी मैं। अपना स्वत्व मिटाकर मैंने, अपना स्वत्व मिटाकर मैंने ना कुछ पाया बहुत गंवाया, अपना स्वत्व मिटाकर मैंने ना कुछ पाया बहुत गंवाया, और रात दिन सबने मुझको, और रात दिन सबने मुझको कमतरी का एहसास कराया, और रात दिन सबने मुझको कमतरी का एहसास कराया। मुझे बहुत बार अचंबा होता है जब वो लकड़ियों पर खाना बना करता था, लेडीज लोग खाना बनाती थी, वो फूंकने से फूंक दे दे के थक जाती थी, आंखों में आंसू आने लगते थे, और अगर पुरुष बाहर से आया तो बोलते थे थका हारा आया है, लेकिन उसकी पीड़ा को आज तक किसी ने तो नहीं समझा था। तो जरा गौर फरमाइएगा, अपना स्वत्व मिटाकर मैंने ना कुछ पाया बहुत गंवाया, और रात दिन सबने मुझको, और रात दिन सबने मुझको कमतरी का एहसास कराया। हर समय इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स पुरुष के मुकाबले, मुझे पुरुषों से आगे नहीं निकलना है, मुझे पुरुषों से आगे अपनी कोई, मेरी पुरुषों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं उनके बिना अधूरी खुद को मानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अस्तित्व को मैं बचाना चाहती हूँ। अपना स्वत्व मिटाकर मैंने ना कुछ पाया बहुत गंवाया, और रात दिन सबने मुझको कमतरी का एहसास कराया। सहने की हो गई इंतिहा अपनी पीर मिटाऊंगी मैं, सहने की हो गई इंतिहा अपनी पीर मिटाऊंगी मैं, अभी गीत ना गाऊंगी मैं। हमारे पुरुष भाई साथ बैठे हैं तो आज मौका मिला है जरा अपनी पीड़ा तक पहुंचाऊं। काश कि पहले जाना होता मुझे नगण्य न आंका होता, काश कि पहले जाना होता मुझे नगण्य न आंका होता, बात बात में इतना मुझको नीचा नहीं दिखाया होता। गहरे पानी पैठ अभी तो जिन खोजा तिन पाऊंगी मैं गीत अभी ना गाऊंगी मैं, गहरे पानी बैठ अभी तो जिन खोजा तिन पाऊंगी मैं गीत अभी ना गाऊंगी मैं। मैं तो हूँ इंसान मुझे ना देवी के गुणगान चाहिए, मुझे नहीं बनना देवी। मैं तो हूँ इंसान मुझे ना देवी के गुणगान चाहिए, बस अपनी गरिमा गौरव संग जीने का अधिकार चाहिए। एक छोटी सी मांग, बस अपने गरिमा गौरव संग जीने का अधिकार चाहिए। सबने मुझको किया पराया, पीहर में पराई ससुराल में पराई, सबने मुझको किया पराया खुद को गले लगाऊंगी मैं गीत अभी ना गाऊंगी मैं, गीत अभी ना गाऊंगी मैं। मुझसे न हो पाए ऐसा जग में कोई कार्य नहीं है, मुझसे न हो पाए ऐसा जग में कोई कार्य नहीं है, मेरे आंचल से तो बहती अमृत करुणा धार वही है, आज भी वही धार बह रही है, मेरे आंचल से तो बहती अमृत करुणा धार वही है। अबला कहकर मुझे रुलाया खुद को सबल बनाऊंगी मैं, अभी गीत ना गाऊंगी मैं। थोड़ा धैर्य धरो ओ साथी पालूं अपनी मंजिल पहले, नव सर्जन नव अर्जन हित ही बाहर के दरवाजे खोले। मुझे पता अपनी सीमाएं राह सुगम तो कर लूं पहले, हर कदम कदम पर मुझे अपनी सीमाएं बताई जाती है, तो मुझे मालूम है मेरी सीमाएं, मैं बहुत सीमाओं में ही रहती रही हूँ। मुझे पता अपनी सीमाएं राह सुगम तो कर लूं पहले, फैलेंगे चहुं और उजाले होंगे मुस्कानों के डेरे, चहकूंगी हर शाम सवेरे फिर गाऊंगी गीत नवेले।
धन्यवाद साथियों, आपने मुझे सुना तो मैं आपके विचार भी जानना चाहूंगी। तो ये तो मैंने मेरी बात रखी है। मैं उन लोगों को जो अभी यौवन में जिन्होंने प्रवेश किया है और रास्ता जिनके सामने दोनों तरफ खुले हुए हैं, एक तरफ वो मंजिल है जो उनको ऊपर उठाएगी, एक तरफ वो मंजिल है जो उनको गर्त में डालेगी। तो मैंने ये कविता मेरा पोता चिन्मय जो अभी होने जा रहा है 18 साल का, तो उसको संबोधित करके पूरे इस उम्र के युवा वर्ग के लिए रची है। आप भी सुनिए। ए जवानी जोश में ना, ए जवानी जोश में तुम होश खो देना न अपना, ए जवानी जोश में तुम होश खो देना न अपना, विकट है राहें विकट है राहें कहीं जाए न खो संकल्प सपना, विकट है राहें कहीं जाए न खो संकल्प सपना, पर्वतों को चीर तुमने राह खुद अपनी बनाई, पर्वतों को चीर तुमने राह खुद अपनी बनाई, वह अमावस रात में भी प्रखर तम ज्योति जलाई, पर्वतों को चीर तुमने राह खुद अपनी बनाई, वह अमावस रात में भी प्रखर तम ज्योति जलाई, सूर्य की भी आंख चुंदियाती तुम्हारे तेज सम्मुख, सूर्य की भी आंख चुंदियाती तुम्हारे तेज सम्मुख, देख तुमको सामने तो मोड़ती है आंधिया रुख, देख तुमको सामने तो मोड़ लेती आंधिया रुख, तुम उफनती ओ मचलती तोड़ कर तटबंध सारे, तुम उफनती ओ मचलती तोड़ कर तटबंध सारे, भटक न जाए कदम ख्याल रखना, भटक न जाए कदम आवारगी की धुमिल राहें, भटक ना जाए कदम आवारगी की धुमिल राहें, है तुम्हारे हाथ में रच दो नया इतिहास यौवन, इस युवा पीढ़ी पर आज देश की आशाएं टिकी है, वरना तो जैसे लगता है कि घटा टोप अंधकार है, है तुम्हारे हाथ में रच दो नया इतिहास यौवन, दो नया आलोक जग को पीढ़ियों के श्राप धोकर, दो नया आलोक जग को पीढ़ियों के श्राप धोकर, काली माँ को ध्वंस्त कर लिख दो नए स्वर्णिम सवेरे, काली माँ को ध्वंस्त कर लिख दो नए स्वर्णिम सवेरे, चूमने को है ललायत ये समय भी पाम तेरे, जो समय केवल दृष्टा भाव से देख रहा है सब कुछ, बोल नहीं रहा है मौन है, वो भी आज तुम्हारे चरणों को स्पर्श करने के लिए ललायत हो रहा है, चूमने को है ललायत ये समय भी पाम तेरे, ए जवानी जोश में तुम होश खो दे ना न अपना, ए जवानी जोश में तुम होश खो दे ना न अपना, विकट है राहें कहीं जाए न खो संकल्प सपना, विकट है राहें कहीं जाए न खो संकल्प सपना, ए जवानी जोश में तुम होश खो दे ना न अपना। और वही जवानी, वो ही युवा, वो ही यूथ आज केवल कमाने की चाहत, केवल ज्यादा से ज्यादा हासिल करने कर लेने की चाहत, दिन रात एक जैसे एक जानवर की मानिंद जुटा हुआ है सब कुछ हासिल करने के लिए, लालसाएं इतनी प्रबल हो रही है कि केवल आवश्यकता पूर्ति तक उसका जीविका निर्वाह के लिए उसका लक्ष्य नहीं है, उससे कुछ आगे हासिल करने का भी लक्ष्य नहीं है, लेकिन उससे भी आगे केवल भोग विलास में उसने अपना चैन गंवाया हुआ है जवानी ने। तो लालसाएं कितनी प्रबल होती है, सब कुछ पाने पर रात की नींद उनकी हराम है, रातों को नींद नहीं आती है। ये मेरी युवा पीढ़ी, मैं आपको आह्वान करती हूँ, आप अपने कर्म क्षेत्र में डटे रहें,
लेकिन अपनी लालसाओं को जरा लगाम दे। तो एक फिर और रचना प्रस्तुत है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जन्म लेती है कामनाएं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जन्म लेती है कामनाएं, एक अंतहीन सिलसिला, एक अंतहीन सिलसिला जिसका न आदि है न अंत, एक अंतहीन सिलसिला जिसका न आदि है न अंत, जिसका गर्भकाल नहीं हुआ करता, जिसका गर्भकाल नहीं हुआ करता, टपकती है न जाने कहां से, टपकती है न जाने कहां से, बनता बनाती है इंसान को कोलू का बैल, बनाती है इंसान को कोलू का बैल, कहती है जुटे रहो, लालसाई बोलती रहती है आगे आगे लालसाई पीछे पीछे हम, कहती है जुटे रहो, अनवरत लगे रहो, चलो भागो दौड़ो दिग्भ्रमित हुए, चलो भागो दौड़ो दिग्भ्रमित हुए, पीछे मेरे मैं न थकूंगी, मैं न थकूंगी न रुकूंगी, तुम भले ही थककर दम तोड़ दो, तुम भले ही थककर दम तोड़ दो, अधूरी ख्वाहिशों के साथ जीवन छोड़ दो, अधूरी ख्वाहिशों के साथ जीवन छोड़ दो, मगर मुझसे कहाँ पार पाओगे, मगर मुझसे कहाँ पार पाओगे, अगले जन्म में फिर, अगले जन्म में फिर मुझे अपने साथ पाओगे, अगले जन्म में फिर वही सिलसिला चालू, फिर वही सिलसिला चालू कामनाओं का, लालसाओं का, मुझे पाने की चाहत में, मुझे पाने की चाहत में करणीय और अकरणीय, मुझे पाने की चाहत में करणीय और अकरणीय, नैतिक और अनैतिक का भेद जो भुलाते हैं, वे अंधकूप में, वे अंधकूप में कीड़ों की मानिंद बिलबिलाते हैं, मुझे पाने की चाहत में जो करणीय और अकरणीय, नैतिक और अनैतिक का भेद जो भुलाते हैं, वे अंधकूप में कीड़ों की भांति बिलबिलाते हैं, गाड़ी बंगले दौलत शोहरत, गाड़ी बंगले दौलत शोहरत न चैन उन्हें दे पाते हैं, रात को नींद की गोलियां खाकर गुदगुदे बिस्तर पर भी कुनमुनाते हैं, रात को नींद की गोलियां खाकर भी गुदगुदे बिस्तर पर कुनमुनाते हैं, मगर जो ज्ञान के प्रकाश में, मगर जो ज्ञान के प्रकाश में मेरा स्वरूप ही बदल देते हैं, मगर जो ज्ञान के प्रकाश में मेरा स्वरूप ही बदल देते हैं, लालसा को पिपासा में ढाल लेते हैं, लालसा को पिपासा में ढाल लेते हैं, वे मुझे पकड़कर परास्त करते हैं, वे मुझे पकड़कर परास्त करते हैं और मोक्ष की राह चल पड़ते हैं, और मोक्ष की राह चल पड़ते हैं, तुम हो स्वतंत्र, तुम हो स्वतंत्र कि कौन सा मार्ग तुम्हें चुनना है, तुम हो स्वतंत्र कि कौन सा मार्ग तुम्हें चुनना है, मेरे पीछे भागना है, मेरे पीछे भागना है या मुझे ही ज्ञान पिपासा में बदलना है, मेरे पीछे भागना है या मुझे ही ज्ञान पिपासा में बदलना है, रातों को गुदगुदे बिस्तरों पर कुनमुनाना है या पत्थर की नुकुली शिलाओं पर, या पत्थर की नुकुली शिलाओं पर चैन की प्रगाढ़ नींद सोना है, या पत्थर की नुकुली शिलाओं पर भी चैन की प्रगाढ़ नींद सोना है, हाँ पुरुषार्थ तो दोनों ही परिस्थितियों में तुमसे ही करवाना है, हाँ पुरुषार्थ तो दोनों ही परिस्थितियों में तुमसे ही करवाना है, मार्ग तुम्हारे सामने है, अब कौन सा तुम्हें चुनना है। तो युवा वर्ग जरा ध्यान देंगे, मुझे नहीं मालूम मैंने अपनी कविताओं से आपको कुछ दिया या आपको महज बोर किया, आपका सहयोग मुझे मिला, आप लोग इतनी देर धैर्य से मेरे साथ बैठे रहे, मैं आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे जन सरोकार मंच के लिए मैं हृदय से ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रदान करवाई। मैं अपनी आभार व्यक्त करती हूँ मुझे बाजाज जी का, जिन्होंने मुझे आज के लिए उत्साहित करके
मैं उनसे मांग रही थी टाइम 15 दिन का कि दिवाली के आसपास बाद में रख लीजिएगा, लेकिन उन्होंने मुझे आज के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया और इस हिंदी दिवस पर मुझे ये स्वर्णिम मौका दिया कि मैं कुछ बोलूं, कुछ मेरी कविताएं रखूं। तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूं और आशा है हम फिर मिलेंगे और मुझे आपके कमेंट्स कुछ नया सीखने को देंगे, कुछ नया बताएंगे। हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक आप सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हम हिंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें, क्योंकि हिंदी तो हमारी खुद की है, हमारे खून में बहने वाली भाषा है। एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार। ओम।